बात करते हैं बिहार की सियासत की। बिहार में आज एक बार फिर नीतीश कैबिनेट का विस्तार हुआ। जीतन राम मांझी के बेटे संतोष सुमन की जगह नीतीश कुमार ने मुसहर जाति के ही रत्नेश सदा को मंत्री बनाया, तो लगे हाथ जीतन राम मांझी पर बड़ा खुलासा भी कर दिया। नीतीश कुमार ने कहा कि जीतन राम मांझी बीजेपी के लिए मुखबिरी करते थे, वो बीजेपी के जासूस थे। एक बार कह दिया और जब मेरे पास मिलने आए तब भी हमने कह दिया कि या तो आपको इतना ज्यादा हमने बनाया, कोई दूसरा नहीं बनाया, या तो अपनी पार्टी को मर्ज करिए, और नहीं तो अलग होना है तो अलग हो, या तो मुकम्मल मुझ में समा जाओ या हमेशा के लिए निगाहों से दूर हो जाओ। मांझी के इल्जामों को नीतीश से झुटलाया ना गया, वो गैर थे ये भी छुपाया ना गया। मीडिया के सामने नमूदार हुए नीतीश कुमार ने दावा किया कि मांझी उनकी नाव से खुद नहीं उतरे बल्कि जानबूझकर उतारे गए। वजह है ये कि वो दुश्मनों से हाथ मिला बैठे थे, वो आस्तीन के सांप हो बैठे थे। अगर पतवार उन्हीं के हाथ होती तो विपक्ष की नैया ही डूब जाती। अभी मीटिंग होने वाली है, हम लोग क्या जानते हैं ना, विरोधी दलों की। यहाँ पर वो जब थे तो भी चाहते थे कि मीटिंग में हम रहे, तो एक बार सबको मालूम था कि जहाँ कहीं भी बीजेपी के लोगों से मिल रहे थे हम मिल करके, फिर हमारे यहाँ भी आकर के कहते थे ये हुआ, तो हम तो जान ही रहे थे सब बात। तो हमने एक बार कह दिया और जब मेरे पास मिलने आए तब भी हमने कह दिया कि या तो आपको इतना ज्यादा हमने बनाया, कोई दूसरा नहीं बनाया, या तो अपनी पार्टी को मर्ज करिए, और नहीं तो अलग होना है तो अलग हो। अक्सर ऐसा भी मोहब्बत में हुआ करता है कि समझ बूझ के खा जाता है धोखा को, लेकिन सियासत में भी ऐसा हो सकता है। ये नीतीश और मांझी के रिश्ते से साबित हो गए, क्योंकि ये नीतीश कुमार ही थे जिन्होंने मांझी को बिहार के मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठाया, और ये मांझी ही थे जिन्होंने नीतीश को अंगूठा दिखाते हुए कुर्सी छोड़ने से इनकार कर दिया। दोनों एक दूसरे के दुश्मन से हो गए, लेकिन जल्द ही नीतीश मांझी की दगाबाजी भूल गए। अब एक ही सफर में कोई बार बार तो लुट नहीं सकता, लिहाजा नीतीश ने भी ऐलान कर दिया कि अब मांझी से मोहब्बत नहीं हो सकती, अब फिर से उनकी चाहत नहीं हो सकती। पर मांझी माफ करने से रहे, ये पूछ ही बैठे कि अगर वो बीजेपी के जासूस हैं तो भी इसका क्या सबूत है। ये इल्जाम लगाने से भी नहीं चूके कि नीतीश कुर्सी के भूखे हैं, लिहाजा तेजस्वी के अच्छे दिन कभी नहीं आएंगे। मुमकिन है नीतीश फिर से बीजेपी की गोद में चले जाएंगे। भाजपा से मिलने के कहां कोई प्रमाण है, और मैं कहता हूं क्या नीतीश कुमार भाजपा से मिलकर के सरकार नहीं बनाया है क्या? अगर मिलने होगा हमको तो भाजपा अंत्यज है क्या? लालू जी भाजपा से मिलकर सरकार नहीं बनाए हैं क्या? तो नीतीश कुमार कौन मुँह से बोलते हैं कि भाजपा के साथ जाना है, और भाजपा बहुत खराब पार्टी है, वो तो सिर्फ चीफ मिनिस्टर रहने के लिए ऐसा करते रहे, कभी भाजपा कभी राजद, और आज तेजस्वी जी को आज लॉलीपॉप दिए हुए हैं। मैं कहता हूँ दावे के साथ कि तेजस्वी को मुख्यमंत्री नहीं बनावेंगे वो, और हो सकता है एक ऐसा समय कि देख लीजिएगा कि वो NDA के साथ चले जाएंगे। जीतन राम मांझी को बीजेपी का भेदिया बताने वाले नीतीश कुमार ने उस खाली कुर्सी को भी भर दिया जो मांझी के बेटे संतोष सुमन के इस्तीफे से खाली हुई थी। नीतीश ने महदलित समुदाय से ताल्लुक रखने वाले सोनबरसा से JDU के विधायक रत्नेश सदा को मंत्री बना दिया। मोहसर समाज के नेता को जीतन राम मांझी के समानांतर खड़ा कर दिया। और फायदे हुआ है, घाटा होगा आप लोग देख लीजिएगा। जीतन राम मांझी को मांझी जाति के तो नेता माने जाते हैं, जीतन राम मांझी 1980 से लेकर अभी तक मंत्री से लेकर विधायक से लेकर मंत्री या मुख्यमंत्री बना। मुसहर समाज के क्या ऐसा कौन ऐसा बड़ा लकीर खींचा हो आप लोग के माध्यम से उनको दे चैलेंज करे, अगर लकीर खींचा तो उस व्यक्ति का नाम है नीतीश कुमार। लेकिन खुद को तो दलितों का बहुत बड़ा नेता समझते हैं जीतन राम मांझी। शेर का खाल पहन कर कहेगा हम शेर बन जाएंगे वो नहीं चलेगा। अभी संतोष मांझी को किस नाम से जानते हैं? जीतन राम मांझी के बेटा के नाम से। जीतन राम मांझी के बेटे की जगह रत्नेश सदा नीतीश मंत्रिमंडल का हिस्सा बने, लेकिन RJD और कांग्रेस के हाथ खाली रह गए। चंद दिन पहले तक बिहार में जोर शोर से यह चर्चा थी कि नीतीश कुमार मंत्रिमंडल विस्तार करेंगे, जिसमें RJD और कांग्रेस से दो दो विधायक मंत्री बनेंगे, लेकिन शपथ सिर्फ JDU के रत्नेश सदा ने ली। RJD कांग्रेस इंतजार ही करती रह गई, दोनों पार्टियां हाथ मलती रह गई। 23 को हमारे शीर्ष नेतृत्व के तमाम लीडरशिप यहाँ मिल रही है, और उसके बाद वो भी हो जाएगा। ये तो फौरी तौर पर एक करना ज़रूरी था, वो कर दिया गया। और अलायंस की पॉलिटिक्स में कंडीशंस और प्री कंडीशंस नहीं होते। हमारा जो ध्येय है 2024 लक्ष्य है, लेकिन उसके पहले जो दूसरा कैबिनेट विस्तार होगा
और ये सारी चीज़ें भी हो जाएंगी, लेकिन 23 के बाद। तो अभी भी आप लोगों का डिमांड दो मंत्रियों का है, इसमें कोई हर्ज नहीं है। क्या कि दो का डिमांड करना कोई हर्ज नहीं है, लेकिन मैंने बार बार कहा है कि कंडीशनैलिटी से हम लोग कांग्रेस पार्टी के लोग सियासत नहीं करते हैं, और जब सब लोग मिलेंगे तो इन सब चीज़ की चर्चा भी करेंगे। नीतीश से मांझी की जुदाई बीजेपी के आंगन में खुशियों की बारिश लाई। पार्टी की पूरी पलटन जीतन राम के समर्थन में उतर आई, क्योंकि नीतीश से बिछड़ना तो महज बहाना है, आखिरकार मांझी को भी तो कमल खिलाना है। जीतन राम मांझी बहुत ही वफादार और बिहार के लिए उपयुक्त नेता रहे हैं, और माननीय मुख्यमंत्री जी का चरित्र रहा है कि जिसके साथ रहे उसके पीठ में खंजर मारते रहे और इधर का मार उधर करते रहे, तो वो अपने चरित्र के जैसा ही श्री जीतन राम मांझी जी को सोच रहे हैं, जबकि श्री जीतन राम मांझी जी बिहार के लिए सब दिन सदा तत्पर रहे हैं, और श्री जीतन राम मांझी का चरित्र नीतीश कुमार जी से 100 गुना अच्छा है। 23 जून को बिहार में विपक्षी एकता की बैठक होने वाली, नीतीश के न्योते पर विपक्ष के दर्जन भर नेता पटना आने वाले, सब बीजेपी को हराने की खातिर अपने मन की बात बताने वाले। ऐसे में नीतीश कुमार एक ऐसे शख्स को भला उस बैठक में कैसे बैठने देते जिसकी सच्चाई जाहिर हो चुकी थी, कम से कम शंका तो हो ही गई थी। सौरभ कुमार, पटना, न्यूज 24।